भट्ट वांग्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेण वि सव्वपाणिनम गाधाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाय। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, उनमें यह जो मनुष्य जन्म है यह दुर्लभ है। लंबे काल तक भी प्राणियों को मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। कर्मों का विवाह गाढ़ होता है, तो इतना यह जो महत्वपूर्ण मनुष्य जन्म है और दुर्लभ है वह अभी हमें उपलब्ध है। इसलिए समयम गोयम मापमाये, यह जो समय हमें मिला हुआ है इसको हमें प्रमाद युक्त नहीं बनाना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, हमें मूर्छा में सोना सोए नहीं रहना चाहिए। अब यह जो मनुष्य जन्म है इसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे यह मनुष्य जन्म सफल सुफल हो सकता है। इस मनुष्य जन्म में एक बात तो यह है, भगवद् भक्ति करनी चाहिए। भगवद् भक्ति, जिनेश्वर देव की भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये नाम जप नाम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बैठे हैं, इधर उधर के विचार फालतू दिमाग में आए, इसकी अपेक्षा तो अच्छा कोई नाम जप करें, वो नाम दिमाग में आए। हमारे जैन धर्म में नवकार मंत्र है, जिनेश्वर देव है, तो भगवान का द्वितराग प्रभु का स्मरण करें, उनकी भक्ति करें, पूजा करें, यह मानव जीवन को सफल बनाने का एक उपाय है कि हमारे मन में जिनेंद्र पूजा, जिनेश्वर देव के प्रति भक्ति रहे। एक अच्छा शब्द अच्छा नाम बार बार दिमाग में आता है तो भीतर में भाव भी अच्छे हो सकते हैं। अब नाम है महावीर, हमारे मुनि जी मुख्य मुनि का नाम भी महावीर है। अब महावीर का नाम मुंह में आए मन में आए और प्रभु महावीर से भी जुड़ा हुआ शब्द है, अच्छा नाम मन में आने से अच्छे भाव भी उभर सकते हैं। तो अच्छे शब्द से अच्छे भाव का भी संबंध हो सकता है। इसलिए तो नाम भी देने हैं तो नाम भी बढ़िया दें ताकि वो जबान में बढ़िया शब्द काम में आए। बच्चों के नाम दिए जाते हैं, अब नाम कोई गरिमापूर्ण है अर्थपूर्ण है तो नाम से भी एक अच्छा भाव आ सकता है। हमारे तीर्थंकरों के नाम हैं ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति, अब इन नामों का निर्धारण कई संतों के लिए भी हो गया है, तीर्थंकरों के नामों का। तो संतों का नाम लेने से वो तीर्थंकर प्रभु का नाम भी जबान में ऐसे आ जाता है। तो जिनेंद्र देव हैं, जिनेश्वर देव हैं, उनकी पूजा भक्ति करें, वीतराग प्रभु की भक्ति करें तो
तो भगवत भक्ति से भी यह मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। दूसरी बात है गुरु पर्युपास्ति ही, कि धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, ज्ञान देने वाले, अनुशिष्ट देने वाले, निश्रा देने वाले, तो गुरु की पर्युपासना करो। गुरु भले बोले न बोले, गुरु का मुख दर्शन भी होता है, उपासना दूर से भी होती है, वो भी ठीक है। तो गुरु की पर्युपासना करना, वो भी बड़े सम्मान श्रद्धा भाव से गुरु पर्युपासना करना, यह भी एक भाव शुद्धि का भी अच्छा निमित्त बन सकता है, भीतर में चेतना का विकास भी हो सकता है। तो गुरु से बातचीत हो न हो, बोलना हो न हो, उपासना दूर से भी हो सकती, एक साथ हजारों लोग भी कहीं कहीं उपासना कर सकते हैं। तो गुरु, जिनको गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है, हमारे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी थे, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे मेरे गुरु थे। तो गुरु को वंदन, गुरु की उपासना सेवा जो जितनी उचित हो की जा सके, अच्छी बात है। तीसरी बात है कि सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति दया अनुकंपा का भाव रखना चाहिए, सब प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना, छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा प्राणी, ये जितनी अहिंसा रह सके प्राणियों के प्रति, हम अहिंसा का ध्यान रखें कि मेरी ओर से हिंसा फालतू किसी की मैं क्यों करूं। इरादतन रूप में राग द्वेष भाव से तो किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो दया, करुणा, अनुकंपा, कि भी मेरी ओर से किसी को तकलीफ फालतू न हो जाए, हो सके तो किसी को चित्त समाधि पहुंचाएं, किसी को धर्म का बोध दें, प्रतिबोध दें। तो यह सत्वेषु मैत्रीम, प्राणियों के प्रति मैत्री भावना रखना, अनुकंपा रखना, किसी पापी आदमी को पापों से उबार देना, पाप छुड़वा देना, धर्म के रास्ते पर ला देना, यह भी एक बड़ा आध्यात्मिक लोकोत्तर उपकार का कार्य हो जाता है। संस्कृत में कहा गया परोपकार है पुण्याय पापाय पर पीड़नम, कि परोपकार करना यह पुण्य निष्पन्न करने वाला है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना यह पाप को पैदा करने वाला है। परोपकार है पुण्याय पापाय पर पीड़नम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार है पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तो दया भावना रखना। चौथी बात बताई शुभ पात्र दान, सुपात्र दान देना, कि सुपात्र में दान देना, साधु घर में आ गए, बहुत बड़े महापुरुष हैं, साधु तो महात्मा हैं, और नियमानुकूल उनको दान दे देना, बहुत एक अच्छा मानव जीवन को सार्थक बनाने का उपाय है। कि मैं भी भूखा ना मरूं, साधु ने भूखा जाए, कभी घर में और तो है नहीं, अगर है घर में चीज तो साधु जैसा महापुरुष आ गया है तो थोड़ा जितना दे सको दान दे दो। घर में धन पिण दलिद्री जिके न देवे दान, भार भूत धन तेहनो कोरो करे गुमान। तो घर में वस्तु है तो दान जितना दे सको साधु को दो, धर्म का कारण बताया गया है साधु को दान देना।
कर वितरणम दानम तो किसी को भी दो, कोई न कोई फल उसका होता है, प्रायः होता है कि साधु को दे दोगे तो कि पात्रे धर्म निबंधनम, साधु को सुपात्र को दान दो तो धर्म का कारण है। तदितरे श्रेष्ठम दयाख्यापकम, साधु के सिवाय और किसी को दान दे दोगे तो वह आपकी दयालुता को प्रकट करने वाला भी दयालु हैं, दूसरों को दान देते हैं। किसी मित्र को दान दे दो, मित्रे प्रीति विवर्धनम, मित्र को कुछ गिफ्ट में दे दोगे, दान दे दोगे, उसके जन्म दिवस पर मंगल कामना दे दोगे, कुछ उपहार भेज दोगे, तो मित्र को कुछ देने से प्रेम बढ़ जाता है, प्रीति बढ़ती है। तदितरे वैरापहारक्षमम, अगर शत्रु को कुछ दे दोगे, शत्रु को दान दे दोगे तो शत्रुता दूर हो सकती है, बैर दूर हो सकता है। और किसी नौकर चाकर जो घर में और में दुकान आदि में काम करने वाले हैं, भित्ते भक्ति भरावहम, किसी नौकर चाकर आदि को दे दोगे तो नौकर चाकर में और ज़्यादा सेवा करने की भावना पैदा हो सकती है। और कोई राजा जैसे लोग हैं, राजा को कोई भेंटना कुछ दे दोगे तो राजा आपका सम्मान बढ़ा सकेगा। कोई भाट आदि हैं, उनको कुछ दे दोगे वे आपके बारे में कविता बना सकेंगे। तो कहा वितरणम न क्वाक्य हो निष्फलम, वितरण है देना है वो निष्फल नहीं जाता, कोई न कोई उसका फल जरूर लगता है। किसी को भी दे दो, कोई न कोई फल तो जरूर होगा ही होगा। तो साधु को दान देना तो धर्म का कारण बताया गया है। तो शुभ पात्र दानम, पांचवी बात है गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग, किसी में गुण है विशेषता है उसके प्रति अनुराग। भी बहुत अच्छे आदमी हैं, इनमें यह विशेषता है, बड़े शांत आदमी हैं, बहुत कम बोलने वाले हैं, बहुत सेवाभावी आदमी हैं। गुण है तो गुणों के प्रति प्रमोद भावना रखो। और श्रुति राग मस्य कि सुनो कि क्या सुने, और तो जो भी अनेक बातें सुननी हो सकती है, पर कुछ समय आगम की धर्म की शास्त्र की बात सुनने में भी समय लगाओ, पढ़ने में समय लगाओ, या सुनने का मौका मिले साधुओं के मुख से, गुरुओं के मुख से शास्त्र की वाणी, आगम वाणी करुणातिथि बने तो बहुत अच्छी बात है। आगम आर्ष वाणी, ऋषि वाणी है, शास्त्र वाणी है, उसको सुनो, यह मानव जीवन को सफल बनाने का उपाय है। सुनते सुनते आदमी में विरक्ति का भाव भी पैदा हो सकता है, सुनते सुनते आदमी में सद्गुणों का विकास हो सकता है। इसलिए कान का उपयोग करो, श्रवण शक्ति ठीक है, सुन सकते हो तो बढ़िया चीज सुनने का प्रयास करो। बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा सोचो मत, बुरा बोलो मत, बुरा काम करो मत, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, जीना से बोलो, बढ़िया बात है, और अच्छा सोचो और अच्छा कार्य करो। पांच बातें हैं, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना। तो अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छे भाव जाग सकते हैं, जीवन को अच्छा बनाने का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं कि जिनेंद्र की पूजा भक्ति, गुरु की परियुपासना,
प्राणियों के प्रति दया, शुभ पात्र में दान, गुणों के प्रति अनुराग और आगम का श्रवण, ऐसे कार्य करने से यह मानव जन्म हमारा सफल सुफल हो सकता है। इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। जिन दुनिया में कितने कीड़े मकोड़े छोटे मोटे प्राणी हैं जिनके पांच इंद्रियां भी पूरी नहीं हैं, ऐसी स्थिति में हमें तो यह बड़ा देह मानव देह प्राप्त हुई है, मानव शरीर प्राप्त हुआ है, कितनी बड़ी बात है। अब कीड़ों मकोड़ों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि हमें भी मानव जीवन कभी मिले। देवों के लिए भी, यानी देवता यों तो बड़े मान लो स्वर्ग में रहने वाले, उनकी आसाधना न हो, परंतु देवता भी कोई मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बनकर के मोक्ष में जाते हैं। यानी मोक्ष में जाने के लिए देवों को भी मनुष्य बनना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो कितनी बड़ी महत्व की बात है मनुष्य जन्म की, कि देवों को भी मोक्ष में जाना होता है तो पहले मानव जन्म लेना ही पड़ता है। डायरेक्ट वे देव गति से मोक्ष में नहीं जा सकते। तो इस बात से हम अंकन करें कि मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कि जहाँ जन्म लिए बिना मोक्ष में गमन हो ही नहीं सकता। तो समय बीत रहा है, आदमी सोचे मुझे कितने वर्ष आ गए। आ गए वे तो आ गए, आकर चले गए वो तो। अब आगे का और ध्यान दूं कि भी मैं प्रमाद से बचूं, धर्म ध्यान अच्छा जीवन अच्छा विचार सदाचार सद्विचार, मेरा मानव जीवन अच्छा रहे, अगला जन्म मेरा दुर्गति में कहीं न हो जाए, मुझे सुगति मिले, मुझे कभी सुगति मिले, सुगति की कामना, सुगति मिले, मुझे मोक्ष मिले, तो यह अवसर जो प्राप्त है मनुष्य जन्म का, इसका हम चिंतन पूर्वक अच्छे ढंग से लाभ उठाने का प्रयास करें। विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, अब बच्चों को भी अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे कि जीवन कैसे अच्छा जी सकें, जीवन में ईमानदारी अहिंसा नैतिकता संयम, ये अच्छी चीज़ें बच्चों के जीवन में भी रहें। इस दृष्टि से विद्यालय में ज्ञान के साथ ये अच्छे संस्कार मिलते रहें, और ये शिक्षा संस्थान जो निर्माण के स्थान हैं, व्यक्तित्व निर्माण के स्थान हैं, जहाँ विद्यार्थी पीढ़ी का, विद्यार्थियों का, एक वहाँ आदमी का, अच्छे आदमी का, ज्ञानवान आदमी का व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है, ज्ञान का विकास हो सकता है, साथ में अच्छे संस्कारों का भी विकास हो, तो ये बहुत ही एक अच्छा अवसर होता है विद्यार्थी जीवन का, जहाँ अर्जन किया जा सकता है। एक तो पैसे का अर्जन होता है, एक ये ज्ञान का अर्जन, अच्छे संस्कारों का अर्जन, बुरी चीज़ों का विसर्जन और अच्छी चीज़ों का अर्जन। तो यह जो अर्जन का समय है विद्यार्थी काल में, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीयेन तपस्तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति, कि प्रथम अवस्था जो है यह 25 वर्ष की मान लें, बचपन की ओर की 25 साल की, उसमें ज्ञान अर्जित नहीं किया, संसारी अवस्था में 25 से 50 के बीच में धन नहीं कमाया, 50 से 75 में तपस्या नहीं की, तो चौथे में क्या करोगे, चौथे में तो कुछ करो, 3 चले गए किसी के, 75 आ गए, तो चौथे भाग में तो कुछ करो, जितना हो सके उतना लाभ उठा लो। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें।
आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है श्वास परीक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्म। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवध्यायानम, नमो लोए सब्बसाहूनम, एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानं च सब्बेशिं पढ़मं हव इमंगलं। चत्तारी मंगलं, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलं। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो च इत्ता भारहं वासं चक्कवट्टी महिद्धिओ संति संति करेलोए पत्तो गईमनुत्तरं देव दानव गंधव्वा जख रखस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुख
करम जे करंति तम।